हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 2 करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिए ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे। चैप्टर 2, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन्हें आप देख नहीं सकते, फ्रेंड होते हैं, दोस्त, और फू होते हैं मतलब दुश्मन। यू हैव सीन सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स आर एनिमल, हाउएवर देयर आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस विच वी नॉर्मली कांट सी, दोज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन मोस्ट ब्रेड गेट्स स्पॉइल्ड एंड The surface get covered with the grayish white patches. Observe these patches through the magnifying glass. You will see tiny black rounded structures. Do you know what these structures are and where these came from? तो उसमें लिखा है कि हम अपने आसपास की बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, हम सबको देख सकते हैं, पर ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हम अपने आँखों से नहीं देख सकते, उन्हें कहते हैं माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और आपने देखा होगा मॉनसून सीजन में कि ब्रेड के की ब्रेड गंदी हो जाती है, उसके ऊपर ग्रेश वाइट पैचेस आ जाते हैं, ये सब होता है फंगस के कारण। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। 2.0 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्टिविटी 2.1 कलेक्ट सम मोस्ट सॉइल सैंपल फ्रॉम द फील्ड इन अ बीकर एंड एड वाटर टू इट आफ्टर द सॉइल पार्टिकल्स हैव सेटल डाउन ऑब्जर्व द ड्रॉप ऑफ द वाटर फ्रॉम द बीकर अंडर द माइक्रोस्कोप व्हाट डू यू सी। इसमें लिखा है कि आसपास के अपने कहीं से भी जगह से या कोई खेत से एक बीकर में गीली मिट्टी कलेक्ट कीजिए, सॉइल सैंपल कलेक्ट कीजिए और उसके अंदर पानी डाल दीजिए। आप कुछ समय बाद सॉइल पार्टिकल नीचे सेटल हो जाते हैं, उन्हें देखिए, उन्हें एक माइक्रोस्कोप के द्वारा देखिए। माइक्रोस्कोप के द्वारा देखिए। एक्टिविटी 2.2 टेक फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम द पॉन्ड स्प्रेड ऑन अ ग्लास साइड एंड ऑब्जर्व थ्रू अ माइक्रोस्कोप। इसमें लिखा है कि कुछ पानी की बूंदे ले लीजिए पॉन्ड से और उन्हें ग्लास स्लाइड के ऊपर रख के ऑब्जर्व कीजिए माइक्रोस्कोप के नीचे। जो ये पहला वाला है मिट्टी में, इसमें आपको दिखेगा कि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसके अंदर पैदा हो जाएंगे, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसके अंदर पैदा हो जाएंगे और उसी के कारण, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण आपको छोटा छोटा उसके अंदर कुछ दिखेगा, जैसा कि बुक वाले ने कहा। और जो हम लोग पानी लेंगे उसके अंदर बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखेंगे, जैसे अमीबा जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स है वैसे ही दिखेंगे। डू यू फाइंड एनी टाइनी ऑर्गेनिजम्स मूविंग अराउंड, आपको क्या उसको ये सब ऑब्जर्व करने के बाद कोई टाइनी ऑर्गेनिजम्स दिखेंगे हिलते हुए। दीज ऑर्गेनिजम्स सो दैट द वाटर एंड द सॉइल आर फ्यूल ऑफ द टाइनी ऑर्गेनिजम्स थ्रू नॉट ऑफ देम फॉल इन टू द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स। देयर आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब दैट आर सो मच इन साइज, सो स्मॉल इन साइज दैट दे कांट बी सीन विद द अनएस्टिफाइड ग्लासेस आइज। हाँ, अनएस्टिफाइड आइज। सम ऑफ दीज सच आर द फंगस दैट ग्रो ऑन द ब्रेड कैन यू कैन बी सीन विद द मैग्नीफाइंग ग्लास, अदर्स कांट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ द माइक्रोस्कोप। दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इन टू द मेजर ग्रुप, दीज ग्रुप्स आर बैक्टीरिया, फंगाई एंड प्रोटोजोआ and some algae. Some of these common microorganisms are shown in figure 2.1
2.4। आपको उसके अंदर दिखेगा कि बहुत सारे टैनी ऑर्गेनिजम्स उसके अंदर हैं। उसके अंदर से मैक्सिमम को आप नहीं देख पाएंगे कि कौन कौन टैनी ऑर्गेनिजम्स है, उन्हें आप माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देख सकते हैं। और कुछ आपको फंगस जैसे जो होता है ब्रेड के ऊपर, ये सब जो है वो सब माइक्रोस्कोप के बिना भी दिख जाएंगे। उसके लिए निकल आपको मैग्नीफाइंग ग्लास चाहिए होगा। 3 कैटेगरीज होते हैं जिसके अंदर मेनली कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया जाता है, बैक्टीरिया, फंगी और प्रोटोजोआ। बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ और कुछ एल्गे मतलब होती है काई। सम ऑफ दीज कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर शोन इन फिगर 2.1 to 2.4। रुकिए दिखाता हूँ, आए देखिए सब डियर पिक्चर 2.1 ऐसे दिखते हैं सब। वायरसेस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिजम्स विच में बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल सच एज द वायरसेस आर सोन इन फिगर 2.5। कॉमन इन्फिनेट लाइट कोल्ड इंफ्लुएंजा फ्लू एंड मोस्ट कफ आर कॉज बाय वायरसेस। सम सीरियस डिसीज लाइक पोलियो एंड चिकन फॉक्स ऑल्सो कॉज बाय वायरसेस। इसमें दिया वायरस के बारे में, वायरस होते हैं जिन्हें हम अपने आँखों से नहीं देख सकते, वो भी माइक्रोस्कोपिक होते हैं पर वो अलग होते हैं। जो वायरस होते हैं वो होस्ट बॉडी के अंदर ही सिर्फ सर्वाइव करते हैं। होस्ट यानी जिसके अंदर उन्हें खाना मिले और वो उसके अंदर आसानी से बड़े हो जाते हैं। फिगर 2.5 में दिया है कॉमन जो होते हैं कोल्ड इन्फ्लुएंजा फ्लू कफ, ये सब होता है वायरस के कारण। और कुछ सीरियस यानी ख़तरनाक डिसीज़ होती है पोलियो, चिकन पॉक्स भी वायरस के कारण होते हैं। जो भी आजकल कोरोना चल रहा है वो भी वायरस के कारण है। डिसीज लाइक डायरिया एंड मलेरिया आर कॉज बाय प्रोटोजोआस वेरेबर टाइफाइड एंड ट्यूबोक्लोरोसिस टीबी एंड बैक्टीरियल डिसीज। जो डिसेंड्री होते हैं मलेरिया, मलेरिया और डेंगू जो होता है वो प्रोटोजोआ फैलाते हैं जिन्हें कहते हैं प्रोटोजोन्स। और जो टाइफाइड और ट्यूबोक्लोरोसिस होता है जिसे कहते हैं टीबी, उसे फैलाते हैं बैक्टीरियल डिसीज कहते हैं उन्हें, यानी बैक्टीरिया से फैलते हैं। यू हैव लर्नड अबाउट सम ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन क्लास 6 and 7। हमने पढ़ा है इस सब के बारे में क्लास 6 और 7 में। एक सेकेंड, हाँ ये देखिए अभी 2.5। हाँ ये देखिए वायरसेस ऐसे दिखते हैं। अभी अजीब सा शेप बना है, इन सब फंगी ये सब है। Where do microorganisms live? Microorganisms may be a single cell like bacteria, some algae and protozoa, or multicellular such may algae and fungi. They live in such all types of the environment ranging from cold ice climatic to hot springs and desert to marshy lands. Jo माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बैक्टीरिया, वो सब हर टाइप के क्लाइमेट में रह लेते हैं, जैसे ठंडी से ठंडी जगह पर और गर्म से गर्म डेजर्ट में। उनके अंदर इतनी सहनशीलता रहती है, ऐसे टाइप से भी क्लाइमेट में सर्वाइव कर लेते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फंगी, एल्गा है सब। और मार्सी लैंग यानी दलदली जमीन, और ये सब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंसानों के अंदर भी पाए जाते हैं। सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स वाइल दे एक्सक्रीट फ्रीली। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो
होस्ट होता है उसके ऊपर सर्वाइव करते हैं, कुछ फ्रीली यानी इंडिपेंडेंटली सर्वाइव करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आर लाइफ। सम ऑफ दीज बेनिफिशियल इन मेनी वेज वेयर सम अदर्स आर हार्मफुल इन कॉज डिजीजेस। लेट अस स्टडी अबाउट देम इन डिटेल। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं। हाँ, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड इन वेरियस पर्पसेस। दे आर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत यूजफुल होते हैं। उनका हम लोग यूज़ करते हैं दही जमाने में, ब्रेड बनाने में और केक बनाने में। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस एजेस। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ किया जाता है अल्कोहल बनाने में बहुत सदियों से। दे आर यूज्ड इन क्लीनिंग ऑफ द एनवायरनमेंट। फॉर एग्जांपल, द ऑर्गेनिक वेस्टेज, वेजिटेबल पील्स, रिमेन ऑफ एनिमल स्पीसीज एक्सेट्रा आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूज एबल सब्सटेंसेस बाय बैक्टीरिया। रिकॉल दैट द बैक्टीरिया are also used in the preparation of medicines. In agriculture, they are used to increase soil fertility by fixing nitrogen. जो बैक्टीरिया होते हैं वो कंपोस्ट बनाने में भी हेल्प करते हैं, जैसे वेजिटेबल पील्स, ह्यूमन का वेस्ट, फीसेज एक्सेट्रा ब्रोक करने में मदद करते हैं और उसको हार्मलेस और यूजेबल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं, मैन्योर जिसे कहते हैं। हाँ, और ये सब बैक्टीरिया मेडिसिन बनाने में भी यूज़ होता है कुछ बैक्टीरिया, और कुछ यूज़ होते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में, और कुछ बैक्टीरिया यूज़ होते हैं नाइट्रोजन फिक्स करने में। एयर से नाइट्रोजन फिक्स करते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया, वैसे टाइप के। मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। बस ये वाला पिच कर लेते हैं, फिर बाकी का नेक्स्ट में करेंगे। मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। यू हैव लर्नड इन क्लास 7 दैट द मिल्क इज टर्नड इनटू कर्ड बाय द बैक्टीरिया। आई सो माय मदर एडेड द लिटिल कर्ड टू अ वॉर्म मिल्क टू सेट कर्ड फॉर द नेक्स्ट डे। आई वंडर्ड व्हाई। जो दही होता है उसको जमाने के लिए दूध के अंदर ऐड किया जाता है और वो बैक्टीरिया के द्वारा होता है। दूध के अंदर एक बैक्टीरिया होता है, हाँ, दूध के अंदर बैक्टीरिया होता है जो उसको कन्वर्ट कर देता है दही का बैक्टीरिया चेंज करके। इसमें आगे पढ़ते हैं, बताया होगा। कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑफ दीज बैक्टीरियम लैक्टोबेसिस प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ द कर्ड एंड मल्टीपल द मिल्क एंड कन्वर्ट्स इनटू कर्ड। Bacteria also involved in the making of cheese, pickles and many other food items and important ingredient for rava, suji, idlis and batters is curd. Can you guess why bacteria and yeast are also helpful in the fermentation of rice, idlis and dosas batter? Isme diya hai ki jo लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं दूध के अंदर, वो लैक्टो एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं कुछ ऐसे ही टाइप का। जो बैक्टीरिया होते हैं ऐसे टाइप के, वो मेन इंग्रेडिएंट होते हैं रवा, सूजी, इडली, बैटर्स के। और जो ईस्ट होते हैं, ईस्ट यानी बेकिंग सोडा टाइप का, वो सब यूज़ होता है राइस का इडली बनाने में, डोसा का बैटर बनाने में। तो आज के वीडियो के लिए हम इतना ही रोकते हैं। अगली बार स्टार्ट करेंगे एक्टिविटी 2.3 से। हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक कर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।